जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार गए 21 मार्च को, तब से चुनाव बदल गया है। क्योंकि जो संघर्ष पार्टियों के बीच में था, अलायंस के बीच में था, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होते ही यह संघर्ष बन गया भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता। अब मुझे याद है जब मैं दिल्ली कैंट में कैंपेन कर रहा था और उस वक्त पुलिस के द्वारा मुझे रोका गया, कहा गया कि भाई आप कैंपेन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप 4 आदमी नहीं घूम सकते बगैर किसी ऑर्डर का। तो मैंने अगले दिन जब इस बात को पार्कों में जो जनता के सामने शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि जो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके नेता जेल में है, आपको ये कैंपेन नहीं करने दे रहे, डिटेन कर रहे हैं। अब जनता करेगी प्रचार। संजय सिंह जी का बाहर आना एक अपने आप में दैवीय शक्ति का इंटरफेरेंस है। जिस केस में सिसोदिया साहब 1 साल से बंद है, जिस केस में सिटिंग सीएम को उठा लिया गया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ईडी का जो सरेंडर है, जो भाजपा की ईडी है, जो उसका सरेंडर है कोर्ट के अंदर कि जी मैं हम बेल अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि जब जज साहब ने पूछा कि भाई क्या तुम्हारे पास मनी ट्रेल है, बोला नहीं है, क्या तुम मनी रिकवरी है कोई, बोला नहीं है, तब पूछा कि भाई तुम क्या बेल अपोज करोगे, तो उनको पोस्ट लंच बुलाया वापस कि बता दो अगर बेल अपोज करोगे तो मैं मेरिट पे डिसाइड करूंगा। तो सरेंडर किया ईडी ने और कहा बेल अपोज नहीं करेंगे उस केस में जहां की डिप्टी सीएम 1 साल से जेल में बंद है। तो कोई ये दैवीय शक्ति का इंटरफेरेंस था, भगवान श्री राम का इंटरफेरेंस था, मंगलवार था, बजरंगबली हमारे गुरु हैं उनका इंटरफेरेंस था, और सुप्रीम कोर्ट पे ईडी ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद क्या बच जाता है केस में? तो मुझे लगता है कि अब तो आज नहीं तो कल केजरीवाल जी का भी बाहर आना होगा, सुधे साहब का बाहर आना होगा, जैन साहब का बाहर आना होगा, और तब जाकर के दुनिया को पूरे देश में घूमेंगे सारे ये बताने के लिए किस प्रकार से मोदी सरकार ने फ्रॉड किया है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया है राजनीतिक कारणों के कारण। आप जो संजय सिंह के बेल के ग्रांट को आप इतना मजबूती से ले रहे हैं, तो क्या मानते हैं चुनाव से पहले, कैंपेनिंग से पहले आपके और बड़े नेता जो जेल में बंद हैं वो बाहर आ सकते हैं और आपको चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए जी, मेरी जितनी लीगल अंडरस्टैंडिंग है और मैंने बड़े सीनियर से भी बात की, पैरिटी है, सेम केस सेम तरह का बयान, जो पहले एक्यूज था वो अप्रूवर बन गया, उसी 6 स्टेटमेंट्स में पहले बयान कुछ है, 7वें में बयान कुछ है, 8वें स्टेटमेंट्स में कुछ बयान है, फिर बयान कुछ है, वो जो डीलिंग की डीलिंग हुई, जिस प्रकार से दिनेश अरोड़ा का बयान 9वें बयान में जाके उसने नाम लिया है संजय सिंह का, और डील हुई है भाजपा और दिनेश अरोड़ा में, उस आधार पे उसको अप्रूवर बनाया, उसको बेल मिली। इसी प्रकार का एविडेंस केजरीवाल के खिलाफ है कि जो शरदचंद्र अरोड़ा है, शरदचंद्र रेड्डी है, उस रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भी दिया और केजरीवाल जी का नाम भी लिया, तब जाके उसको बेल मिली। तो ऐसा कुछ नहीं अलग है केजरीवाल जी केस में, सुधीर साहब केस में, जिससे कि उनको इस ग्राउंड पे बेल ना मिले। अब मुझे लगता है कि चूंकि हाईकोर्ट में मसला है अरविंद जी का, अब वो संभवतः हाईकोर्ट से मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मिल ही जाएगा बेल उनको। आज आप लोग सामूहिक उपवास पर बैठे हुए थे, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सामूहिक उपवास नहीं, इनको पश्चाताप करना चाहिए। देखो क्या है कि बीजेपी का यह हाल है, जैसे ना ओसामा बिन लादेन उपदेश दे वायलेंस के अगेंस्ट, वो अहिंसावादी हो जाए अचानक, वही हाल बीजेपी का है। बीजेपी 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, इतना पैसा इसने कमाया है ईडी के जरिए, करप्शन किया है, अगर आज ईडी अपने पे आ जाए तो भाजपा के सारे जेल में होंगे, मेरी स्टेटमेंट लिख लेना कहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पे आ जाए और ईडी अपने पे आ जाए, जिस प्रकार के प्रमाण बाहर आए, जो मनी ट्रेल ढूंढा जा रहा था, मनी ट्रेल मिल गया, ईडी ने भाजपा के लिए वसूली किया, ईडी ने रैकेट चलाया, वसूली रैकेट एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया ये, तो भाजपा तो अपने दिन गिने,
और जिस दिन जाएगा उस दिन समझा जाएगा कि उसके मलबड़े में क्या क्या है उन लोगों ने। इसलिए इतने सारे सबूत उनके खिलाफ आ गए हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, सिर से लेके पैर तक भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है और ईडी का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया है और इतने प्रमाण है भाजपा के खिलाफ कि पता नहीं कितने साल के लिए जेल जाएगी।